नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का पाठ 3, जिसका नाम क्या है बच्चों? भाई भाई का प्रेम। तो यहाँ पर ये जो आपका पाठ है, इसमें आप देखोगे कि भाई भाई में कितना प्रेम होता है। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या दिया गया है यहाँ पे देखिएगा। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गाँव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। सुनिएगा बच्चों, एक गांव था, बड़ा ही सुंदर सा गाँव था, जिसका नाम क्या था? मनोहरपुर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए गाँव का नाम क्या था तो क्या बोलोगे? मनोहरपुर। ठीक है, और गाँव की मिट्टी क्या थी? बहुत उपजाऊ थी। उपजाऊ मतलब क्या होता है? उपजाऊ मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम उसमें कोई फसल लगाएंगे वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, तो वहाँ की मिट्टी कैसी थी? उपजाऊ, यानी उसमें अगर आप कुछ फसल लगाते हो तो वो बहुत अच्छी फसल होगी। ठीक है, तो इसी कारण से वहाँ के जो गांव के जो लोग थे, ज़्यादातर लोग क्या किया करते थे? तो खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे और इसी मनोहरपुर में इसी गाँव में दो भाई रहा करते थे और दोनों क्या थे? किसान थे। मतलब दोनों खेती करते थे। किसान मतलब क्या होता है बच्चों? जो आदमी खेती करता है, ठीक है, खेती से अपना जीवन यापन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। तो ये दोनों भाई क्या थे? किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, मतलब वो लोग अलग हो चुके थे। जैसे भाई भाई रहते हैं ना, जब उनकी शादी ब्याह उनका हो जाता है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो लोग क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। दोनों जन का खाना अलग अलग बनने लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये दोनों भाई अलग अलग थे, लेकिन दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई अलग अलग तो थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था। ठीक है, दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की ही बात सोचा करते थे, है ना? भाई भाई का प्रेम है भाई, दोनों भाई भाई हैं तो एक दूसरे का भला ही सोचेंगे ना। ठीक है, तो अभी आगे देखिएगा। इस वर्ष पूरे गाँव में फसल अच्छी हुई थी, कटाई हो चुकी थी, खलिहान में सबके अनाज के ढेर लग गए थे। सुनिएगा, अभी एक वर्ष की बात की जा रही है, तो इस साल क्या हुआ था कि गांव में फसल बहुत अच्छी हुई थी, बहुत अच्छी फसल हुई थी, कटाई हो चुकी थी। जैसे हम कोई फसल उगाते हैं, धान गेहूं, तो उसकी कटाई की जाती है ना, तो कटाई हो चुकी थी इनकी। और खलिहान, खलिहान मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे गेहूँ या फिर ये क्या होता है, गेहूँ और चावल, धान, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? काटने के बाद, ठीक है, कटाई करने के बाद उसका बोझा बना करके, बोझ बना करके उसको लाया जाता है और खलिहान में रखा जाता है। फिर वहाँ पे उसकी साफ़ सफाई की जाती है, फिर उसके बाद बोरियों में भर करके वो जाता है आगे को। ठीक है, तो खलिहान मतलब क्या? एक जगह होता है बहुत बड़ा सा, जहाँ पे उनको बोझा ला ला करके रखा जाता है। वहाँ पे सब लोग जाते हैं, धान को पीटते हैं, उसमें से धान निकालते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? खलिहान कहते हैं। तो खलिहान में सबके अनाज के ढेर लग गए थे, मतलब सब लोगों ने अपने अपने अनाज ला करके खलिहान में रख दिए थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। सुनिएगा क्या होता है। एक दिन जो बड़ा भाई था वो लेटे लेटे सोच रहा था। क्या सोचता है? देखिए, ये भाई अपने भाई को कितना प्रेम करता है। लेटे लेटे सोच रहा था और क्या कहता है कि मेरे तो दो बच्चे हैं, वो मेरी काम में मदद करते हैं, है ना? अगर इसके दो बच्चे हैं तो उसकी खेती में मदद करते होंगे, है ना? तो ये जो आदमी है, मतलब ये जो बड़ा भाई है, वो यही सोच रहा है कि मेरे तो दो बच्चे हैं, दोनों मेरी मदद करते हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई के कोई बाल बच्चे हैं नहीं, उसको सब काम अकेले ही करना पड़ता है, इसीलिए मुझे क्या करनी चाहिए? उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, ऐसा बड़ा भाई सोच रहा है। ठीक है, यह सोचकर वह उठा और यह सोचने के बाद वह उठता है और खलिहान में जाता है। ठीक है, तो खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा, उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। देखो क्या होता है कि खलिहान में वो जाता है और जो उसका अनाज था, जो उसने उगाया था, जो उसके खेत से आया था, उसने 10 गठरी बनाई, 10 बोझा बनाया और एक उठा करके सिर पे रख करके छोटे भाई का जहाँ पे ढेर लगा हुआ था, जहाँ पे उसका अनाज रखा हुआ था, वहाँ पे वो जाने लगा। ठीक है, ठीक उसी समय क्या होता है, छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ,
जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। हमारा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। सुनिएगा, बड़े भाई ने तो सोचा कि मुझे छोटे भाई की मदद करनी चाहिए। अब जो छोटा भाई है वो भी सोच रहा है बड़े भाई की मदद करने का। वो क्या सोच रहा है? अपने घर में बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं जवान हूँ, क्योंकि ये छोटा भाई है तो ये तो जवान रहेगा ही। सोच रहा है कि मैं जवान हूँ, मैं जितना चाहे उतना कमा सकता हूँ, है ना। जो लोग जवान होते हैं वो लोग काम करके पैसे कमा सकते हैं, है ना। तो ये सोच रहा है कि मैं तो जवान हूँ, मैं चाहे जितना कमा सकता हूँ, जहाँ जाऊँ वहाँ पे जा सकता हूँ। समझिए कि अगर किसी कारणवश फसल अच्छी नहीं हुई तब मैं दूसरा काम करके अपना पालन पोषण कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे बड़े भैया हैं वो तो बाल बच्चे वाले हैं, है ना। और वो मेरे जैसे जवान भी नहीं है, क्योंकि देखो ये क्या है, यंग है, ये जवान है, तो ये कहीं पे भी काम कर सकता है। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो दूसरे जगह जा करके कहीं पे काम कर सकता है, पैसे कमा सकता है ना। तो ये यही सोच रहा है। और फिर क्या सोचता है कि हमारा खर्चा भी कम है। जैसे ये लोग, ये बस देखिए, जो इसके बड़े भैया हैं इनके बाल बच्चे भी हैं, तो उनका खर्चा अधिक है, इसका खर्चा क्या है, कम है, क्योंकि ये अकेला है, इसके बच्चे उच्चे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या सोचता है कि मेरा खर्चा क्या है, कम है, और मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, मतलब मेरे बड़े भैया के खर्च तो अधिक है, इसलिए मुझे क्या करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। और इतना सोच करके वह भी उठता है और खलिहान में वो भी जाता है। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अभी देखो, ये भी खलिहान में गया और जो उसका अनाज पड़ा हुआ था उसमें से उसने 10 गठरी बांधा और एक सिर पे रख के अपने बड़े भैया के अनाज के ढेर की तरफ वो बढ़ता है, ठीक है। वो उधर से आ रहे, ये इधर से जा रहा है। आगे देखिए क्या होता है। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? देखो क्या होता है, खूब अंधेरी रात थी, बहुत अंधेरी रात थी, ठीक है। अंधेरी रात में ये दोनों गए थे, हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं देता था। इसका मतलब क्या, जैसे आपका ये हाथ है ना, इतनी अंधेरी रात थी कि आपको आपको आपका हाथ नहीं दिखाई देगा, इतनी अंधेरी रात थी, ठीक है। तो इस वातावरण में दोनों भाई क्या कर रहे थे, एक दूसरे के अनाज की ओर बढ़ रहे थे। तभी क्या होता है, वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं बेचारे, ठीक है। और दोनों चौंक करके एक साथ कहते हैं, अरे कौन है? तो दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। फिर दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं, और उनके सिर पे क्या था, अनाज की गठरियाँ थी, क्योंकि दोनों ही लेकर के जा रहे थे। दोनों समझ गए, क्या समझ गए, कि बड़े भाई ने कहा, छोटे तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। बड़े भैया ने क्या कहा, बड़े भैया छोटे भाई से बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरे तो बच्चे हैं जो मेरी मदद कर देते हैं, पर तुम्हारी मदद करने के लिए तो कोई नहीं है, है ना। इसीलिए मैं क्या कर रहा था, जो तुम मेरा अनाज था वो मैं तुमको देना चाहता था, ताकि अगर ज़्यादा अनाज रहेगा तो तुम्हारा घर ज़्यादा दिनों तक चल पाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं अपना अनाज तुमको देना चाहता था। तो ये लड़का कहता है, मतलब छोटा भाई कहता है कि भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक हैं, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अभी छोटा भैया बोल रहे हैं कि भैया आप क्या हैं, आपके बच्चे हैं, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपको अनाज की अधिक आवश्यकता होगी, मतलब आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, क्योंकि आपका खर्चा अधिक है, इसलिए मैं क्या करना चाहता था, ये जो अनाज है वो आपके अनाज में डालने के लिए जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई, दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। और जब दोनों ऐसा बोल रहे हैं तो दोनों की आंखें भर आई, क्योंकि ये उसकी मदद करना चाहता है, ये उसकी मदद करना चाहता है, ठीक है। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले से लग जाते हैं। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। और ये दोनों भाइयों की ये जो कहानी है आज भी लोग सुनते हैं और सुनाते, और कैसे होकर के, भाव विभोर होकर के, मतलब
एकदम भाव में डूब जाते हैं जब इन दोनों भाइयों की कहानी को सुनते या फिर सुनाते हैं तो, है ना। कितनी अच्छी कहानी थी। देखिए, भाई भाई का प्रेम, है ना। आज के टाइम पे क्या होता है, भाई से भाई, मतलब ऐसा हर जगह नहीं होता है लेकिन कहीं कहीं पे झगड़ा भी करते हैं लोग, पर भाई भाई का प्रेम ऐसा ही होता है। वो उसके बारे में सोचेंगे, वो उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये जो कहानी है यहाँ पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करिएगा। कोई अगर आपको वर्ड पढ़ने नहीं आ रहे तो आराम आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, देखिए कि मैंने किस वर्ड को कैसे पढ़ा है। इससे क्या होगा, आपको हिंदी पढ़ने आएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।